राहुल गांधी जी सत्ता वियोग में बौखलाए हुए हैं। और अगर कोई एक नादान व्यक्ति जो सामाजिक राजनीतिक किसी दृष्टि से जागरूक नहीं होगा तो वह भी जानता है कि भारत की पाकिस्तान से तुलना करना मतलब एकदम बचकाना बयान है, गैर जिम्मेदाराना बयान है और ये फ्रस्ट्रेशन है। देखिए अब आप समझ सकते हैं कि वह तो पूरी ताकत से लगे थे कि नीतीश कुमार की जो सरकार भाजपा के साथ फिर से बनी थी वह सरकार बहुमत न प्राप्त कर पाए, लेकिन भगदड़ तो चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो और चाहे वहां राष्ट्रीय जनता दल हो और चारों तरफ भगदड़ की स्थिति है। लोग भाजपा को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी का नेतृत्व तो पसंद कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश का जो विकास हो रहा है उसे महसूस कर रहे हैं, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में 80-80, बिहार में 40-40, देश में 370 कमल के फूल, 400 से ज्यादा एनडीए की जीत। देखिए अखिलेश यादव जी की स्थिति अब विरोध करने लायक नहीं रह गई है, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी की ओर आगे एकदम इतनी तेजी से बढ़ रही है कि राज्यसभा चुनाव उसका ताजा उदाहरण है। न पार्टी संभाल पा रहे हैं, न अपना परिवार संभाल पा रहे हैं, उनकी पार्टी और परिवार दोनों में भयानक कलह है और डॉक्टर मोहन यादव जी को भाजपा ने कार्यकर्ता के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी और हमारे सभी जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी कई राज्यों में जाते हैं, हम लोग भी अभी कल में मध्य प्रदेश में था, मोहन जी कल उत्तर प्रदेश में थे, तो ये भाजपा है एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करती है और उसी काम के आधार पर जनता का आशीर्वाद मिलता है और 2024 में फिर सरकार बनने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।